दिल्ली में युवक कांग्रेस के दफ्तर पर हमले के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को नहीं होगी फांसी। सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। भुल्लर पर सितंबर 1993 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर बम धमाका करने का आरोप साबित हो चुका है। देविंदर पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया है और दो ग्राउंड्स हैं, एक तो 8 साल की इनऑर्डिनेट डिले जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बिल्कुल अवमाननीय है और इसीलिए इस ग्राउंड के ऊपर मौत की सजा को गैर कानूनी हो जाती है। इस धमाके में 9 लोग मारे गए थे और 25 लोग जख्मी हुए थे। जख्मी होने वालों में युवक कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष MS बिट्टा समेत 10 कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे।